आज मैं आपके लिए सीधा अपने गांव से अरबी के पत्ते की एक टेस्टी सब्जी की रेसिपी लाई हूँ, क्योंकि इस मौसम में अरबी के पत्ते बहुत मिलते हैं, तो ये सब्जी बनाना तो बनता है। आप भी ये विलेज स्टाइल यूनिक रेसिपी ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अरबी के पत्तों का रोल बनाते हैं। तो इसके लिए किसी भी फ्लैट सरफेस पे एक पत्ता रखिए, और फिर बेसन और पानी का घोल लगाते हुए इस तरह से पत्ते को एक के ऊपर एक रखना है। अब इसमें बचे हुए अरबी के छोटे पत्ते डालकर इस तरह से हाथों को दबाते हुए रोल बना लेंगे। इसके दोनों साइड को कट करके हटा लेंगे और इसमें भी थोड़ा घोल लगाएंगे। इस रोल को आप आधे घंटे के लिए ड्राई होने रख सकते हैं। जब यह थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसे धागे से हल्का बांधिए और दो भागों में कट करके गर्म पानी में डालेंगे। इसे बस पानी में एक उबाल आने तक रखना है, फिर निकाल के ठंडा कीजिए और फिर एक इंच के विड्थ में इसे कट कर लेंगे। अब हम एक बैटर बनाएंगे जिसमें 6 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून नमक, हल्दी और 1 नींबू का रस डालिए। इसमें पानी मिलाते हुए इस तरह से घोल रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है अरबी को फ्राई करने की, तो दोनों तरफ से बेसन का घोल लगाएंगे और सरसों तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे बस हल्का लाल होने तक पकाना है। इसका मसाला बनाने के लिए 4 टेबलस्पून सरसों और 12 से 15 लहसुन को अलग अलग पीस लीजिए, और फिर कढ़ाई में तेल गरम करके मेथी और मिर्च का तड़का लगाइए। इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज को कट करके डालिए और बस 1 मिनट भूनना है। उसके बाद लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी पकाएंगे। अब इसमें पिसा हुआ सरसों डालेंगे और फिर 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इस मसाले को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जब यह इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसमें 1 बड़ा टमाटर और 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर डाल के पकाएंगे। यहाँ हमें टमाटर को गलाना है, जिसमें लगभग 3 से 4 मिनट तो लग ही जाता है। जब टमाटर गल जाए और मसाले पूरी तरह से पक जाए तो इसमें 1.5 ग्लास पानी और 1 नींबू का रस डालिए। अब इसे एक उबाल आने देंगे और फिर फ्राइड अरबी के पत्ते डालेंगे। अब आप इसे लो फ्लेम पे ढक कर 4 से 5 मिनट कुक होने दीजिए, और बस ये रेडी है टेस्टी सब्जी, जिसका मज़ा आप प्लेन चावल के साथ ले सकते हैं। तो अब आप भी इसे बनाइए, और अगर रेसिपी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।